यूनिट टू क्वेश्चन नंबर एटीन और इसमें डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियटर्स पर पोल का जो फॉर्मूला है देड थीटा थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटी जेड आई सी डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियटर्न पर पोल डी मैग्नेटाइजिंग ए पर पोल ज इक्वल टू जेड अपॉन 360 सिक्सटी थीटा अपॉन आईसी लग गया थीटा अपॉन 360 सिक्स इंटू जेड अपॉन आईसीड आई सी जेड आई सी सी तरीके से लिखते हैं इसको जेड आई सी अपॉन थीटा अपॉन 360 सिक्सटी इंटू जेड आई सी वेर आई सी इज

Z दिया है A दिया है थीटा दिया है पर पोल निकालने हैं और आइए एम्पियर्स ऑन फुल लोड ये भी दे रखा है जब और कुछ नहीं दे रखा है देखिए हंड्रेड लोड इसमें कुछ भी ये नहीं लिखा हुआ कि इसे जनरेटर और सीरीज जनरेटर जब ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा होता और खाली एक करंट की एक ही वैल्यू दे रखी है इसका मतलब दैट इज टेकन एज द करंट वही करंट की वैल्यू ले लेनी है और उसी करंट की वैल्यू रख दीजिए सबकी वैल्यू दे रखी है रंगदी ये वैल्यू निकल जाएगी कर लेंगे सब लोग आसानी से 19 सेम 19 सेम है 20 अलग है उसमें पोल आर्क और पोल शू रेशियो दे रखा है उसका कुछ फार्मूला इसमें दे रखा था ये इसका यूज्ड इसका वो है सॉल्व न्यूमेरिकल है पोल आर्क रेशियो कहीं इसके अंदर दिया हुआ था जेड आईसी एम एम एफ डेवलप्ड टर्नस पर पोल फॉर कंपेंसेटिंग कंपनसेटिंग निकालनी है ना इसके अंदर कंपनसेटिंग टू जेड आई सी अपॉन टू पी इन टू पोल आर अपॉन पोल पे इन टू वन अपॉन आई ए देखो ये मैं फॉर्मूला में देता हूं ये फार्मूला के सीधे सीधे एप्लीकेशन है फॉर कंपेंसेटिंग बाइंडिंग टर्न्स पर पोल टर्नस पर पोल कंपनसेटिंग अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल विल बी इक्वल टू जेड आईसी अपॉन टू पी इंटू पोल आर्क अपॉन पोल पिच इन टू वन अपॉन आई ए मतलब वन अपॉन आई ए ये आई एग्री कि इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी ज्यादा समझने का कुछ भी नहीं है सीधे सीधे वैल्यू सारी दे रखी है वैल्यूज रख दीजिए और वैल्यू निकल जाएगी और कुछ नहीं है लेकिन ये देना इसलिए जरूरी था जिससे कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए पता चले कि इसके बेस पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा सकते हैं ये है और कुछ नहीं ट्वेंटी वन क्या है फोर है सेम चीज पोल पिच पोल शू पोल शू का मतलब क्या है पोल शू कितना एरिया कवर कर रहा है जितना पोल शू है वही पोल पिच भी है एक पोल के अंदर कितने कनेक्टर्स उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं दैट इज बेसिकली जितना पोल शू जितना स्प्रेड स्प्रेड उसका जितना है चीज तो इस बने द सेम थिंग नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी फोर पोल मशीन रनिंग एट फिफ्टीन हंड्रेड आर पी एम हैज एन आर्मीचर विद नाइनटी स्लॉट्स विद सिक्स कनेक्टर्स पर स्लॉट 90 स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट के अंदर छह कनेक्टर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे? डिटरमिन इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट फॉर्मुला लिखते हैं देखिए क्या निकालना है आपको इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ई ईजी ईजी इज इक्वल टू फाइव जेड एन पी अपॉन सिक्सटी ए फोर पोल मशीन है पी की वैल्यू दे रखी है रनिंग एट फाइव फिफ्टी हंड्रेड आरपीएम एन की वैल्यू दे रखी है नाइनटी स्लॉट्स हैविंग पर स्लॉट यानी जेड की वैल्यू दे रखी है फाइव फोर्टी जेड की वैल्यू फाइव फोर्टी है कैलकुलेशन जो इसके अंदर है वो खाली इतना सा है बहुत छोटे लेवल का है फ्लक्स पर पोल फाइव दे रखा है फ्लक्स पर पोल के अंदर आपको ये ध्यान देना है उसमें कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि इसमें वेवर्स में दे रखा है सीधे सीधे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मिली वेबर्स में दिया होता है मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है सिक्स मिली वेबर्स सिक्स मिली वेबर्स तो फ्लक्स में आप फाइव में छह यूज मत कर दीजिएगा क्या यूज करेंगे दैट्स करेक्ट वेबर्स ये सब लो, सब लोग लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ लोगों के लिए ये बड़ी ऑर्डनरी चीज है लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब लोग ध्यान दीजिए क्योंकि इसी तरीके से आपके न्यूमिकस गलत हो जाते हैं आपके बड़ी अजीब अजीब से वेग सी वैल्यूज निकलनी शुरू हो जाती हैं ये जो तो फॉर्मूला है इसमें हर एक के अपने अपने यूनिट फिक्स्ड है जेड इज द नंबर कंडक्टर्स कोई और यूनिट इसके एन की वैल्यू इज एन आर पी एम नॉट एन आर पी एस अगर आपको फॉर्मुले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एन की वैल्यू अगर आर पी एस में दे रखी है रेवोल्यूशन पर सेकेंड तो उसको पहले आर पी एम में कन्वर्ट करिए तब यहाँ पे रखिए फाइव की वैल्यू हेज टू तो बी इन वेवर्स वेबर्स के अंदर होनी है मिली वेवर्स में नहीं होनी है तो अगर मिली वेबर में आपको दे रखी है तो उसको पहले वेबर्स में कन्वर्ट करिए और तब सिक्स इंटू टेंथ पावर माइनस थ्री ये वाली वैल्यू फाइव की जगह पर आएगी यह दे रखा है और इसके अलावा और क्या है क्टेड है इसका मतलब ए की वैल्यू दे रखी ए बराबर पी हो गया तो पी और ए कैंसिल कर जाएंगे इनफैक्ट नहीं भी दे रखा होता पी की वैल्यू तो भी काम चल जाता क्योंकि और कैंसिल कर गए इट इजी निकाल निकाल ली सब लोग सकते सिंपल करंट पर कंडक्टर आई सी इज इक्वल टू हंड्रेड एम्पियस एक कंडक्टर में सौ एम्पियर निकल रहा है तो टोटल कंडक्टर जो है पांच सौ चालीस है पांच सौ चालीस कनेक्टर में कितना कितना निकलेगा फिफ्टी फोर थाउजेंड एम्पियस एक पैरल पाथ इसमें पैरल पाथ कितने हैं पी के वैल्यू जो है इसमें देर के चार पी की वैल्यू चार है तो जितने भी नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो आपने चार पैरल पाथ के अंदर अरेंज किए हुए हैं

पावर आउटपुट इज इक्वल टू ईजी इंटू आई ए वॉट्स ठीक है क्लियर हो गई वाली चीज तो मतलब ये है कि ऐसा मत ऐसी बेवकूफियां मत कर दीजिएगा कि अगर एक कनेक्टर की वैल्यू सौ है तो पांच सौ चालीस की फिफ्टी फोर थाउजेंड एम्पियर्स हो जाएगी ऐसी चीजें नहीं फिफ्टी फोर थाउजेंड नॉट पॉसिबल फिफ्टी फोर थाउजेंड एम्पियर्स जनरेटर जनरेट नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई है इतनी एबनॉर्मली हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी हाई वैल्यू है फिफ्टी फोर थाउजेंड की दिस इज एबनॉर्मली हाई दिस इज अनबिलीवेबल इतना ज्यादा एम्पियज पॉसिबल नहीं है क्लोज टू दिस वैल्यू एक लाख एम्पियर हो गया या डेढ़ लाख एम्पियर हो गया ये वाली वैल्यूज आपको केवल उसमें मिलती है लाइटनिंग स्ट्रोक जो होते हैं एक लाइटनिंग स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर इस लेवल की अस्सी हजार नब्बे हजार एक लाख एम्पियर्स सवा लाख एम्पियर्स उसके वो लाइटनिंग बोल्ट होते हैं और उन लाइटनिंग बोल्स के बारे में ये एसेस किया जाता है आ, ये अंग्रेजों ने असेसमेंट किया है तो ऑब्वियसली वो अमेरिका के बारे में एसेस करेंगे हमारे बारे में तो यहाँ के बारे में इंडिया के तो एसेस नहीं करेंगे न्यूयॉर्क शहर जो है न्यूयॉर्क शहर जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में एक दिन में जितनी बिजली खाता है उस आ, मतलब वहाँ पर हर समय हीटिंग वगैरह चलती रहती है सेंट्रल हीटिंग हीटिंग हमेशा वो ए चालू करते हैं हर जगह हर चीज़ उनकी ए सी चलती रहती है हर घर हर कमरा हर ऑफिस हर बिल्डिंग सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ एयर कंडीशन 24 घंटे एयर कंडीशन में रन करते रहते हैं और हीटिंग चाहिए होती है ठंडा भी नहीं करना होता है हीटिंग चाहिए होती है जिसमें और ज़्यादा करंट चाहिए होती है तो ये एस एस एस्टिमेट लगाया गया था कि वो एक न्यूयॉर्क शहर जितना एक दिन में जितनी बिजली खाता है उतनी बिजली से आप शायद यहाँ के तीन या चार बहुत बड़े बड़े स्टेट्स जो हैं इंडिया के चार बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनको आप पूरे एक दिन के लिए बिजली दे सकते हैं मतलब आप ये समझ लीजिए यूपी हो गया उत्तरांचल हो गया बिहार हो गया मध्य प्रदेश हो गया ऐसे चार स्टेट्स को आप पूरे एक दिन बिजली दे सकते हैं उतना न्यूयॉर्क शहर एक दिन में बिजली खा जाता है तो एक जो लाइटनिंग बोर्ड जो होता है एक बोर्ड बोर्ड सब लोग समझते हैं ना एक बार जो बिजली कड़कती है तो वो जो चिंगारी जो निकलती है वो उसके एक बोर्ड के अंदर इतनी आ, वो होती है पावर इतनी एनर्जी एनर्जी राइट नॉट पावर एनर्जी उसके अंदर इतनी ज्यादा होती है कि किसी तरीके से अगर आप उस एनर्जी को स्टोर कर सकें स्टोर करना पॉसिबल नहीं है उसको लेकिन अगर आप किसी तरह से उसको स्टोर कर सकें तो उससे न्यूयॉर्क शहर को न्यूयॉर्क स्टेट को जिन, जिसे न्यूयॉर्क स्टेट कहा जाता है उसको आप एक महीने तक पावर दे सकते हैं लाइक एनी वे तो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा था कि 54,000 फोर ऐसी अगर एब्सर्ड वैल्यूज आपको मिलनी शुरू हो जाएं इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो रही है और आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपकी वैल्यूज गलत गल जा रही तो इसलिए ये चीज़ चीज़ जरूर चेक ठीक है? है, Next. 23rd, same है 20, कौन सा मतलब ले? ए ले ले? दे रखा है लॉन्ग शंट फ्लक्स पर पोल फाइव दे रखा है Long shunt, flux रेजिस्टेंस पर टर्न इज इतना इसका मतलब 220 टर्न्स हैं और एक टर्न की रेजिस्टेंस इतनी दे रखी है तो किस लिए दे रखा होगा ये निकाल सकते हैं सब लोग इससे आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई जीरो फोर एक टर्न की रेजिस्टेंस पॉइंट जीरो जीरो फोर ओम्स है तो टू टू ट्वेंटी टर्न की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक सो आर ए इज इक्वल टू टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर इतने इसकी हो गई आर ए आर ए दे रखा है लॉन्ग शंट है शंट फील्ड आर एस एस दे रखा है आर एस दे रखा है एन दे रखा है आर्मचा करंट आई ए दे रखा है और उसमें निकालना क्या है इतनी सब चीजें दे रखी तो कैलकुलेटर टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वी एल निकालना है एल निकालना है वीएल की वैल्यू निकालनी है वीएल निकालने के लिए देखो लॉन्ग शंट है सबसे पहले ऐसे जब भी डायग्राम से जब भी ये दे रखे होते हैं क्वेश्चन सबसे पहले उसका डायग्राम बनाइए तो द वे मैं इसको मिटा रहा हूं यू आर गिवन इट्स आर ए की वैल्यू आपको इसमें दे रखी है लॉन्ग शंट है लॉन्ग शंट का मतलब क्या हो गया सीरीज फील्ड आर्मेचर चंडफील्ड ये है ये यहाँ से आता है वीएल हो गया ये वीएल है ये आई एल है ये आई ए है आर एस ई आर एस एच आई एस एच आर ए जी आपको वीएल निकालना है वीएल की वैल्यू इसमें क्या होगी माइनस आईए आर ए प्लस आर एस सी तो आपको इसके लिए ईजी चाहिए आईए आर ए आर एस सी इतना चाहिए आईए की वैल्यू दी हुई है दी हुई आर ए दिया हुआ है आर एस सी दिया हुआ है आर एस सी दी हुई है आर ए दिया हुआ, है। दिया हुआ, है दिया हुआ है। इतना सब दिया हुआ है इजी नहीं दिया हुआ है इजी का फॉर्मूला क्या है फाइव जेड एन पी अपन सिक्सटी है पी दिया है ए दिया है फाइव दिया है और एन दिया है और जेड जेड को क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, टी जेड इज्वल टू टू टी फोर फोर्टी करते, जेड इज्वल टू टू टी तो जेड भी दे रखा है इसे ईजी निकाल लीजिए ईजी का वैल्यू यहां पर रख लीजिए बेल की वैल्यू निकाल लीजिए निकाल सकते हैं सब लोग Z एक टर्न में एक टर्न क्या होता है दो कनेक्टर्स है दिस इज वन टर्न एक टर्न के अंदर दो कनेक्टर्स होते हैं ये एंड कनेक्शन ये एंड कनेक्शन सारे, सारे, सारे। एक टर्न के अंदर दो कनेक्टर्स होते हैं जेड इजल टू टू टी ऑलवेज रिमेंबर दट नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव पहले ठीक है ट्वेंटी फाइव कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाईज लोड करंट ऑफ हंड्रेड एम्पियस एट टू फिफ्टी वोल्ट आई एल दे रखा है शॉर्ट शंट है शॉर्ट शंट इसका मतलब ये हो गया शॉर्ट शंट इसमें दे रखा है आई एल दिया हुआ है वी एल दिया हुआ है जेनरेटर फॉलोइंग फील्ड आर्मेचर सीरीज फील्ड आर एस एस दिया हुआ है आर एस ई दिया हुआ है आर ए दिया हुआ है फाइंड द ब्रश ड्रॉप ब्रश ड्रॉप ये ब्रश ड्रॉप है दिस प्लस दिस इज वन वोल्ट। ब्रश ड्रॉप बी ड्रॉप ये भी दिया हुआ है वन वोल्ट। और निकालना क्या है ईजी वन वोल्ट पर तो टू के लिए टू वोल्ट जाएगा ईजी विल बी इक्वल टू वी एल प्लस आई ए इंटू इसका फॉर्मूला क्या है आई ए इंटू आर ए प्लस आई एल इंटू आर एस ई आई एल इंटू आर एस ई प्लस टू ये दो वर्ड कौन सा है ये वाला है ब्रश ड्रॉप प्लस ब्रश ड्रॉप ये ब्रश ड्रॉप भी उसमें एड हो जाएगा भाई टोटल, क्या हो रहा है? टोटल वोल्टेज यहां बन रहा है इसमें से कुछ ड्रॉप इसके अंदर हो गया कुछ कुछ ड्रॉप हो गया कुछ ड्रॉप हो गया बचा हुआ वो सारा वोल्टेज कितना तो हो गया इजी में से जब आप आई आर ए ड्रॉप आई एल आर सी ये ये वाला ड्रॉप और टू यानी कि ब्रशेस में जो ड्रॉप हो रहा है सब घटा दीजिए आपको वीएल की ईजी की वैल्यू मिल जाती है प्लस टू टू ये टू जो ब्रश ड्रॉप है देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ये अच्छी चीज है मैं एक्सप्लेन इसमें कंफ्यूज मत होइए ये इस तरह की चीज है जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो जनरेशन खाली यहां हो रहा है दैट्स ऑल और कहीं भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा इस जनरेशन में से जितना भी है कुछ कुछ ड्रॉप हो रहा है कुछ यहां खर्च हो गया कुछ वहां खर्च हो गया कुछ वहां खर्च हो गया बचा हुआ जितना भी वोल्टेज है बचा खुचा वो सारा सारा वोल्टेज आपको यहां तो कोई भी और ड्रॉप होगा ब्रश वोल्टेज भी ड्रॉप है तो दैट इज तो अगेन ड्रॉप ड्रॉप है ड्रॉप का मतलब इसके लिए क्या हो गया गिर गया आप घर से इतना सारा पढ़ाई करके निकलते हैं जैसे ही घर से निकले 50 परसेंट वहीं ड्रॉप हो गया रास्ते में चलते हुए आए यार दोस्त मिल गए उनके साथ में मारी पच्चीस परसेंट ड्रॉप हो गया फिर बच्चा बचा वहां भी ड्रॉप हो गया पर आ गए पेपर देखने के बाद में टेंशन आ गई टेंशन में दस परसेंट वहाँ ड्रॉप हो गया अब बच्चा जितनी जितना दिमाग के अंदर आपका रह गया वो चीज़ आप लिख देते हैं उसके अंदर तो ये सारे ड्रॉप्स हैं पढ़ के जितना निकले दैट इज बेसिकली इजी वो इजी का इजी इजी ही रहेगा जितना आप पढ़ के निकले थे उसमें कोई कमी नहीं आने वाली कोई ज्यादा नहीं होने वाला वो दट इज ऑल तो बचा वो सारा सारा एवरीथिंग एल्स इज अ ड्रॉप जितना बचा सारा ड्रॉप होने के बाद में जितना गिरता गया उसके बाद जितना बचा दैट इज दियोर आउटपुट वो आपका आउटपुट है दैट इज लोड वोल्टेज वो वोड हाँ फोर फॉरवर्ड भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन द ब्रशेज ब्रशेज की क्वालिटी अगर आ, उतनी अच्छी नहीं है तो फॉरवर्ड को भी ड्रॉप हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर कहीं आप कोई आपके कैलकुलेशन में मान लीजिए इसी का उल्टा होता इसी नूम में कुछ और होता हो, और आपसे ये पूछा गया होता कि ब्रश ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट करिए मान लीजिए आपको इसमें ई दे रखा है वीएल दे रखा है आई ए आर ए आई एल आर सी सब कुछ दे रखा है और ब्रश ड्रॉप की वैल्यू निकालनी होती और आपने कैलकुलेशन कुछ किए कुछ और आपको ब्रश ड्रॉप की वैल्यू आ गई टू टू हंड्रेड वोट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करनी है और उसकी वैल्यू आ गई पच्चीस गलत है अजीब अजीब सी वेग वैल्यूज आ रही है से वैल्यू अगर निकल के आ रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हर एक की याद रखिए है ई की वैल्यू अगर चार वोल्ट है तो एल की वैल्यू वैल्यूजी से दस बीस पच्चीस वोल्ट मैक्सिमम इतनी कम रहेगी इससे ज्यादा नहीं होगी अगर ईजी में और वीएल में सौ वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब रॉन्ग रॉन्ग है आर तो इसलिए ब्रश ड्रॉप की जो वैल्यू है वो अगर दो वोल्ट तीन वोल्ट जाएगी चार वोट जाएगी चार वोल्ट से ज्यादा अगर निकल के आ रही दस वोल्ट पंद्रह वोल्ट इसका मतलब गलती है वो चीज है कैलकुलेशन आपको गलत हो गया कुछ नहीं मोटर केस में वीएल इज द मेन ड्राइविंग फंक्शन मोटर के केस में क्या होता है ये मेन है यहां पर आप इतना वोल्टेज दे रहे हैं उसमें से कुछ ड्रॉप यहां हो गया कुछ ड्रॉप यहां हो गया कुछ ड्रॉप यहां पर हो गया बचा हुआ वोल्टेज वो बैक की तरह यहां बन के आया और वो मैकेनिकल पावर जनरेट करता है तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है जनरेटर्स में मोटर्स में कि मेन वोल्टेज कहां से दिया जा रहा है और कहां का ड्रॉप होता गया और बचा हुआ वोल्टेज कहां पे आ रहा है जो बेसिकली लोड सप्लाई कर रहा है ये चीज अब इसमें बात वीएल की वैल्यू वीएल दिया हुआ है आई ए नहीं दिया है आर ए दिया है आई एल दिया है आरएस दिया है टू दिया है आई ए निकालना है इस क्वेश्चन में आईए निकाल सकते हैं सब लोग तीस क्वेश्चन नंबर तीस कर लेते हैं पी इज गल टू टी ओ मेगा या टी इज गोल टू एफ टू आर दो ही फॉर्मूले हैं R की वैल्यू मतलब आ रही तो है टी इज टू एफ टू आर ठीक है आर दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या है सीरीज मोटर है मोटर है टू ट्वेंटी वोल्टीएल की वैल्यू दी हुई है फोर पोल P की वैल्यू दी हुई है लैब वोन डेस्क मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 280 स्लॉट्स एंड ई स्लॉट हैज फोर कनेक्टर्स, Z की वैल्यू निकाल सकते हैं सब लोग Z 280 स्लॉट हैं और हर स्लॉट में चार कनेक्टर्स हैं तो 280 टू एट्टी फोर दैट इज द वैल्यू फॉर Z Z हो गया करंट आई फ्लक्स पर पोल फाइव फील्ड रेजिस्टेंस आर एस ई आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए टोटल लॉसेस आयरन फ्रिक्शन लॉसेज लॉसेज लॉस लॉस दे रखे हैं। पुली डायमीटर आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर वन डिवाइडेड बाई टू अब देखिए और निकालना क्या है इसमें पुल पुल एट द रिम। इसका मतलब एफ निकालना है पुल कितना है देखो टी इज इक्वल टू एफ इन आर होता है आपको एफ निकालना है तो एफ बराबर कितना हो जाएगा टी वाई आर और पी इज टू टी ओमेगा तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी अपॉन ओमेगा तो पी अपॉन ओमेगा आर ठीक पी पी इज टोटल पावर एक्चुअली पावर कितनी आपको मिल रही है आउटपुट में आउटपुट पावर कितनी आ रही है मोटर के अंदर पी इज इक्वल टू वी एल इंटू आर पी इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एल ज दउटपुट पावर और नॉट well एग्जैक्टली exactly. आप अगर उस टेंस में पी की वैल्यू लेते हैं ई बी इंटू आई ए पी विलवल टू ई बी आई ए दिस माइनस लॉस ये लॉस की वैल्यू रखी हो और ई बी इंटू आई ए तो पी की वैल्यू निकाल ली और ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एन

और uh, P इज टू आई ए माइनस लॉस लॉस की वैल्यू दे की वैल्यू दे रखे, EB निकालना है, निकालना वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीरीज मोटर के लिए एल दे रखा आर ए आर एस सी सब कुछ दे, दे, दे रखा है ईवी की आईए की वैल्यू दे रखी लॉस रखा है एन निकालना है एन एन के लिए क्या करेंगे ईवी इज टू फाइव जेड एन पी अपॉन सिक्सटी ए वही चार पांच तो फॉर्मूले हैं और कुछ है ही नहीं। ही गिने गिने चार, चार पांच फॉर्मूले फाइव की वैल्यू दे रखी है ये फाइव है जेड दिया हुआ है पी दिया हुआ है ए दिया हुआ है एन निकाल ली। कर ले दे, कर लेंगे सब लोग केवल आप लोगों को अलग अलग जेनरेट चार टाइप के लॉन्ग शॉर्ट शंट, शंट सीरीज शंट इन चार टाइप के जनरेटर्स और मोटर्स इनके इक्वेशन निकालने आने चाहिए तो सिंपल ये वाला काम करना आना चाहिए कि करंट कहा निकल गई सिंपल केसीएल केवीएल ओम्स लॉ ये तीन चीजें अगर आप याद रखते हैं तो कोई से भी सा वैल्यू निकाल सकते हैं उन वैल्यूज के अंदर अगर कहीं भी फ्लक्स दे रखा है कहीं भी फ्लक्स दे रखा है इसका मतलब फाइव सिक्सटी तो लगेगा ही लगेगा इसमें कोई चीज गायब पर रखी होगी कोई चीज दे रखी होगी इससे ज्यादा और कितना क्या पूछेंगे डीसी जनरेटर के क्वेश्चन से इसमें ज्यादा कुछ होता ही नहीं सिंपल सिंपल चीजें